साहब, एक तरफ वीरबान जैन, दूसरी तरफ राम कुमार गर्ग, दोनों की टक्कर बताई जा रही है फिलहाल, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। आपको क्या कुछ लगता है समीकरणों को देखते हुए? जब चुनाव हो रहा है तो सर्वसम्मति को तो आप छोड़ दो जी, किसी के कहने से सर्वसम्मति नहीं बनती, किसी के कहने से सर्वसम्मति टूटती नहीं है जी। तो बताया जा रहा था कि सर्वसहमति से राम कुमार जी को चुन लिया गया था, उसके बाद यह चुनाव की। चलो जो भी है वो तो देखो सब बड़े हैं जी मंडी के, लेकिन कुल मिला के 3 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। तो लगता नहीं है कि राम कुमार जी को फायदा होने वाला है इस बात का? हाँ, बेनिफिट मिलेगा उनको। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि राम कुमार जी जीत? हाँ, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। फिलहाल आज चर्चा का विषय है, केवल दो ही विषय है अगर बात करें तो, एक तरफ मंडी का चुनाव तो दूसरी तरफ हाउस की मीटिंग यानी नगर परिषद में मीटिंग चली हुई है। परंतु मैं यहां पर मौजूद हूं, मंडी में पहुंचा हूं और चुनावी प्रक्रिया भी चली हुई है। मंदिर के बाहर आप देख सकते हैं जो तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है, और दो कैंडिडेट जो बताए जा रहे हैं राम कुमार जी गर्ग और उनके जो समक्ष खड़े हैं उनके सामने खड़े हैं कैंडिडेट, दूसरे की बात करें तो वीरभान जैन, दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है। फिलहाल इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि इस प्रकार से यह चुनाव चला हुआ है और क्या कुछ समीकरण बैठ सकते हैं चुनाव में, और चुनावी नतीजे फिलहाल वो तो वक्त के जहन में है, कुछ ही घंटों बाद चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे और मंडी को उसका प्रधान मिल जाएगा। फिलहाल इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या समीकरण बैठ सकते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कुछ लगता है? एक तरफ वीरभान जैन, दूसरी तरफ राम कुमार गर्ग, दोनों की टक्कर बताई जा रही है फिलहाल, जो हमें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। आपको क्या कुछ लगता है समीकरणों को देखते हुए? समीकरणों को देखते हुए 2:30 बजे सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा जी। अभी कुछ भी मैं इस बारे में कहना नहीं चाहता, क्योंकि भाईचारे का इलेक्शन है जी। अगर किसी एक की भी बात कह दी तो दूसरा बुरा मानने का क्या जरूरत है जी हमें? जी बिल्कुल। तो 2:30 बजे जो है रिजल्ट आ जाएगा, और जैसा भी रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा जी। और चुनाव बड़ी शांति से चल रहा है जी। कितने वोटे हैं? और 547 वोटे ये बता रहे हैं जी। और तकरीबन जो है इसमें से एक दो वोट मिस हो जाए तो अलग बात है, सारी ही पोल होंगी जी। बताया जा रहा था कि सर्वसहमति से एक कैंडिडेट को चुन लिया गया था, उसके बाद यह चुनावी प्रक्रिया शुरू? ऐसा कुछ नहीं है, जब चुनाव हो रहा है तो सर्वसम्मति को तो आप छोड़ दो जी, किसी के कहने से सर्वसम्मति नहीं बनती, किसी के कहने से सर्वसम्मति टूटती नहीं है जी। अब चुनाव की पोजीशन है, चुनाव चल रहा है, वोटिंग हो रही है, आप लोग आए हुए हैं, आपका भी धन्यवाद जी, पल पल पर की रिपोर्ट आप दे रहे हैं जनता को जी, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूँ जी। तो फिलहाल यहाँ पर चुनाव है वो शांतिपूर्वक चले हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जी। भाई साहब क्या नाम आपका? चेयरमैन सन्नी मंगला, यूथ व्यापार मंडल। मंगला साहब आपने पद भी गिनवा दिया लगता है, क्या लगता है किसका कद बढ़ने वाला है और किसके सर ताज सजने वाला है मंडी के प्रधान पद का? टाइम है जी पोलिंग का जी, तो आई थिंक 3 बजे के आसपास रिजल्ट निकल जाएगा जी, वो तो वोटर्स को ही पता है सर। देखो जी, तो किसके नाम का गुलाल उड़ने लगता है आपको? क्या शंका, समीकरण क्या क्या कहते हैं? कुछ नहीं पता, ना किसी के बारे में कह सकते, यानी साफ तौर पर ये एक बात देखने के लिए मिल रही है। चुनाव बेशक चले हुए हैं, परंतु भाईचारे की मिसाल देती हुई मंडी नजर आ रही है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर चुनावों में एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर लोग अपने संबंध खराब कर लेते हैं, परंतु मंडी में कुछ अलग ही समीकरण देखते हुए नजर आ रहे हैं, आपसी भाईचारे की मिसाल देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं जी। भाई साहब क्या कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता था सर, जो आज के दिन जो इलेक्शन देखने में आ रहा है ये कभी नहीं हुआ इस मंडी में, जो भाईचारा आज देखने को मिला ना जी, कभी नहीं हुआ ऐसा जी। बड़े प्यार से ऐसा मतलब क्या पहले पहले क्या रहता था? पहले लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बहुत कुछ होता था, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब चुनाव आते हैं भाईचारा पहले, आज जी चुनाव आते हैं दूसरे को कटाक्ष शुरू हो जाते हैं, आज ऐसा कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जी। तो बताया जा रहा था कि सर्वसहमति से राम कुमार जी को चुन लिया गया था, उसके बाद यह चुनाव? चलो जो भी है वो तो देखो सब बड़े हैं जी मंडी के, लेकिन कुल मिला के 3 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा। तो लगता नहीं है कि राम कुमार जी को फायदा होने वाला है इस बात का? हाँ, बेनिफिट मिलेगा उनको। तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि राम कुमार जी जीत? हाँ, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो भाई कैसे हो? ठीक है, बढ़िया। अच्छा चुनाव कैसा चल रहा है? बढ़िया 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 चल रहा है, बढ़िया बढ़िया शांति। आगे पीछे के कुछ लगा? बहुत बढ़िया चल रहा है, शांतिपूर्वक। कौन आ गया कौन पीछे? वो तो परमात्मा का पता भी। अच्छा
तो भाई साहब चार पांच बंदा थे बात कर लिया, पूरी कोशिश कर ली भाई एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करेंगे चुनाव में, वो एक रहे भाई ने इस तनु क्या दिया, उन्हें यहाँ से कुछ अलग ही नजर आ रहा, मंडी भाईचारे की मिसाल देती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार की भी टिप्पणी करते हुए बचते हुए यहाँ पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं। और जो अगर बात करें तो चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से चली हुई है, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर राय दीजिएगा किसके सर मंडी का ताज सज सकता है और किसके नाम के गुलाल 3 बजे उड़ने वाले हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।